अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए पिज्जा की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी विदाउट चीज एंड विदाउट ओवन। इसी वीडियो में आप लोगों को पिज्जा सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज्जा सॉस बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा कप जो है टोमेटो केचप लिए, सिंपल टोमेटो केचप है ये। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है, और इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, एंड 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून दादर मिर्च इसमें ऐड होगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ओरिगेनो डाला, ये मार्केट में इजिली आपको मिल जाएगा। अब इन सब चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये जो पिज्जा सॉस है हमारी तैयार है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए फ्रिज में। तो अब हम जो है व्हाइट सॉस बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप लिया, 3/4 कप मैंने मिल्क ऐड किया उसके अंदर। मिल्क जो है यानी दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो अब मैं दूध के अंदर 2 टीस्पून जो है मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। व्हाइट सॉस बनाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है कि पहले आप दूध में मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, तो बाद में जब इसे हम फ्राई पैन में डालेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। मैं चूल्हे पे फ्राई पैन रखती है और फ्लेम को जो है ऑन कर दिया। फ्राई पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, और 1 टेबलस्पून में इसके अंदर चॉप किया हुआ गार्लिक डाल रही हूँ। गार्लिक यानी लहसुन डालने के बाद आपने इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो जरा चेंज हो जाए। फ्लेम जो है मीडियम लो रखनी है। इनका कलर चेंज होने लग जाए तो इसके अंदर आपने जो है दूध वाला मिक्सचर डाल देना है, और लो कर देनी है फ्लेम। इसको लो फ्लेम पर जो है आपने पकाना है 1-2 मिनट के लिए, और इसके अंदर 1 कप मजीद दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। दूध डालने के बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है 1/4 टीस्पून, ओरिगैनो मैंने इसके अंदर डाला है 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/3 टीस्पून। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो व्हाइट सॉस है वो तैयार है। मैंने व्हाइट सॉस सबसे पहले नहीं बनानी, लास्ट में बनानी है। अगर पहले बना लेंगे तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। व्हाइट सॉस हमने बना लिया, अब हम चिकन की जो टॉपिंग ऊपर करनी है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डाला फ्राई पैन में, और फ्लेम को ऑन कर लिया है। आपने मीडियम लो ही रखना है, ज्यादा तेज आंच पे इसे नहीं बनाना। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ गार्लिक डाल रही हूँ, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर चिकन डाल देना आपने। 1 कप बोनलेस चिकन है ये, यानी हड्डी के बगैर वाला जो चिकन होता है। चिकन के जो पीस है वो छोटे रखने, ज्यादा बड़े नहीं रखने। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका ऐड किया व्हाइट विनेगर, और इसको डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। फ्लेम जो है आपने कम रखनी है, ज्यादा तेज नहीं रखनी। अब जो है मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही के डाल रही हूँ। दही डालने से ये होगा कि जो चिकन है वो जल्दी हमारा जो है गल जाएगा। इसको जो है आपने 1-2 मिनट के लिए मजीद पकाना है। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो इसके अंदर आपने नमक डालना है 1/4 टीस्पून, हल्दी का पाउडर डालना है 1/3 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर डालना है आपने इसके अंदर 1/3 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालना है 1/4 टीस्पून, 1/3 टीस्पून आपने इसके अंदर दादर मिर्च ऐड करनी है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने और मजीद 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना। जो मैंने आपको मसाले बताए पिज्जा सॉस में, चिकन में, और वो जो मैंने व्हाइट सॉस बनाना सिखाई है, उसके अंदर आपने सेम उसी क्वांटिटी में डाल ले जो है पिज्जा बहुत अच्छा बनेगा, उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। बहुत ही मजे का पिज्जा बनता है ये, और ये जो चिकन है अब हमारा तैयार है। अब हम पिज्जा डो बनाएंगे, उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, सबसे पहले मैंने आधा कप नीम गरम पानी लिया, फुल गरम नहीं लेना, नीम गरम लेना है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ईस्ट डाली है, ईस्ट यानी कि खमीर, ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। अब मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून चीनी डाली है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि चीनी और ईस्ट इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए, ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना। और अब जो है इसको हम 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर मैं 1.5 कप मैदा डालूंगी, यानी 1.5 कप मैदा डालूंगी इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे पहले। जब भी आप कोई केक या पिज्जा वगैरह ऐसी चीज बनाए तो मैदे को पहले छान लें, और इसके अंदर आप मैंने 2 चुटकी नमक डाली। नमक डालने के बाद आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, हाथ से कर लिया चम्मच से कर ले, ताकि मैदे में नमक अच्छे से हल हो जाए। नमक मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर ईस्ट वाला मिक्सचर डाल दे, जिसको हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था 10 मिनट के लिए। ईस्ट वाला मिक्सचर मैदे में डालने के बाद पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। अभी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए मजीद गूंदना है। अगर मैदे की जरूरत पड़े तो 1 या 2 टेबलस्पून डाल लें। मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया था, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए मजीद गूंदना है। पहले हमने 5 मिनट के लिए गूंदा था, अब 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। इससे जो है डो बहुत नरम हो जाएगी। जितने अच्छे से आप डो को जो है गूंदेंगे, उतनी अच्छी हमारी जो डो है राइज होगी।
5 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डो में कितनी ज्यादा लचक है। इतनी लचक जब आ जाए तो इसका मतलब हमारी डो बिल्कुल तैयार है। मैंने उसी बोल में जो है 1/2 टीस्पून ऑयल डाला है, और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने ग्रीस कर लेना है। जब बोल में आप ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो इसके अंदर आपने डो रखनी है जो हमने बनाई थी, इसको नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड करके अच्छे तरीके से आपने रख देना। इसको आपने अच्छे तरीके से सेट कर देना, इक्वल आपने साइडों से भी इसको सेट करके इसके ऊपर 1/2 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे तरीके से ग्रीस करके राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देना। यहाँ पे मैं इसको प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेट ऊपर रख के इसको 1 घंटे के लिए रखते हैं रूम टेम्परेचर पर या फिर ओवन में। 1 घंटा हो चुका है और जो हमारी डो है बिल्कुल अच्छे से राइज हो गई है, यानी साइज में डबल हो गई है। अब जो हम इसकी एयर निकालेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए गूंदेंगे। तो उसे मैंने बताया उसी तरीके से अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी डो बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो अब यहाँ पे मैंने एक 11 इंच का नॉनस्टिक पिज्जा पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है और इसको अच्छे तरीके से जो है हम ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। पिज्जा पैन आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, अगर या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप दराज ऐप से मंगवा सकते हैं, मैंने भी वहीं से मंगवाया है। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर ले तो इसके ऊपर पिज्जा डो रख के इसको हाथ की मदद से ही फैला ले पूरे पैन पे। डो जो मैंने आपको बनाना सिखाई है बहुत ज्यादा आसान भी और बहुत सॉफ्ट भी बनती है, तो इसको जो है आप आसानी से हाथ की मदद से ही पूरे पैन पे फैला सकते हैं। किनारे यानी जो इसकी डो की साइड है वो जरा आपने मोटी मोटी रखनी है, फिर ये अच्छी पिज्जे की लुक आएगी। मैं इसके ऊपर फोक से यानी के कांटे से अंदर सुराख कर दूंगी, दरमियान में आपने रखने, साइड्स पे नहीं रखने यानी किनारों पे नहीं लगाने आपने। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे, होममेड पिज्जा सॉस जो मैंने आपको स्टार्ट में बनाना सिखाई है, इसको जो आपने दरमियान में लगाना है, आपने साइड्स पे नहीं लगाना, इतनी ज्यादा भर के नहीं लगानी, जितनी मैं लगा रही हूँ इतनी लगानी कि बस इसके ऊपर लग जाए, ज्यादा नहीं लगानी और इसके किनारों पे नहीं लगानी। अगर किनारों पे लगाएंगे तो फिर बहुत बुरी लगेंगी। पिज्जा सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर व्हाइट सॉस लगा रही हूँ, वो भी आपने दरमियान में लगानी है, यानी जहाँ जहाँ पे आपने वो पिज्जा सॉस लगाई है उसी पे व्हाइट सॉस अप्लाई करनी है। व्हाइट सॉस जो है आपने थोड़ी ज्यादा लगानी है, वह इतनी ज्यादा भी नहीं लगानी, और इसको जो अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना है। जो व्हाइट सॉस है आपने पहले बनाकर नहीं रखनी, अगर आप पहले बनाकर रख लेंगे तो वो ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इसके ऊपर सही से नहीं लगेगी, तो लास्ट पे आपने बनानी है। फाइनली अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे, पहले चिकन लगाऊंगी जो हमने पहले बना के रखा था, और सब्जियों में जो है मैंने वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है। टॉपिंग में आप जो उनसे भी वेजिटेबल्स डालना चाहें ये आपकी मर्जी है। अब मैं इसके ऊपर मशरूम डाल रही हूँ यानी कि ऑलिव्स डाल रही हूँ, ब्लैक विंग हो गई है। अब मैं इसको जो है बेक करूंगी तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम रखनी है, आपने लो भी नहीं रखनी, ज्यादा हाई भी नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। इसको 22 मिनट के लिए पतीले में बेक करना है, उसका सारा तरीका एक वीडियो बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे 22 मिनट में जो है हमारा पिज्जा तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त बेक हुआ है, इसकी साइड से बिल्कुल अच्छे से राइज हुई हुई है। पिज्जा पैन से बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ग्रीस किया था। अब इसको जो है मैंने स्लाइस में कट कर लिया, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिज्जा तैयार हुआ, देख के लग ही नहीं रहा कि चीज के बगैर बने। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि आपने इसको चीज के बगैर बनाया, इतना जबरदस्त इसकी लुक आई और खाने में भी ये टेस्ट में बहुत अच्छा था। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे, टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व करें, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन बहुत इजी है ये। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।